और चलिए सुबह की राम राम की शुरुआत कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला, 11 जिलों के बदले गए पुलिस कप्तान। राम मंदिर के भव्य सिंह द्वार पर विराजमान हुए हनुमान, श्रद्धालु 32 सीढ़ियां चढ़कर करेंगे राम मंदिर में प्रवेश, 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। वाराणसी के जिला कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर आज फैसला आएगा, जज की व्यवस्था के कारण कल फैसला नहीं आ पाया था। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने वाली याचिका कोर्ट में डाली गई। सुल्तानपुर में एसटीएफ से मुठभेड़ में माफिया विनोद उपाध्याय एनकाउंटर में ढेर, 1 लाख का इनामी था विनोद उपाध्याय, प्रदेश के 61 माफियाओं की सूची में था शामिल। दिल्ली एनसीआर में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, इनकम टैक्स की 3 बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई, नोएडा गाजियाबाद दिल्ली में आईटी की रेड। सपा महासचिव शिवपाल यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी नहीं होती तब भी मंदिर बनता, निमंत्रण नहीं मिलेगा तब भी जाएंगे अयोध्या। लोकसभा के लिए सपा उम्मीदवारों की संभावित सूची आई सामने, अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ सकते हैं चुनाव, आजमगढ़ से शिवपाल ठोक सकते हैं ताल, तो मैनपुरी से डिंपल यादव लड़ सकती है चुनाव। यूपी के सभी पीसीएस को देनी होगी अपनी संपत्ति की जानकारी, नियुक्ति विभाग के विशेष सचिव धनंजय शुक्ला ने दिए निर्देश, 31 जनवरी तक देनी होगी चल अचल संपत्ति की जानकारी। लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक और दुकान में अचानक आग लग गई, करीब 20 लाख का सामान जलकर हुआ राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।